एनबीसी न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं सिद्धार्थ। एक समय ऐसा था जब चोर देर रात घरों में घुसकर चोरी करते थे, पर समय के साथ साथ चोर भी हो गए शातिर। अब चोर घर बैठे बैठे इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन चोरी करने लगे। सही एक मामला सामने आया राजधानी जयपुर में, जहां शहर के अलग अलग पुलिस थाने में करीब 2.25 लाख रुपए की साइबर ठगी के 4 मुकदमे दर्ज हुए। एमडी रोड स्थित जीवा चौधरी की गली निवासी ऑटो चालक मोहम्मद साबिर ने लालकोटी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि किसी ठग ने उनके बैंक के खाते से करीब 80,000 रुपए निकाल लिए। दूसरे केस में सामने आया कि हीदा की मोरी स्थित शिमल कॉलोनी निवासी हरिमोहन जांगीर के बैंक खाते से 3 बार ट्रांजेक्शन करके करीब 48,500 रुपए निकाल लिए गए। एक दिन चोर इतने शातिर हो जाएंगे ये कभी किसी ने सोचा नहीं था। जब चोर ऑनलाइन ठगी करते हैं तो बैंक खाता नंबर या फिर अन्य डेटा का इस्तेमाल करके करते हैं। तीसरे केस में जगतपुरा निवासी सुशांत सिंह ने प्रताप नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। 27 अप्रैल को उसके मोबाइल पर फोन आया और कहा गया कि आपके क्रेडिट कार्ड को एक्टिवेट करना है। बातों में उलझाकर खाते की जानकारी ले ली और इसके बाद उनके बैंक खाते से करीब 45,000 रुपए उड़ा लिए। आपको बता दें कि वही चौथे केस में निवारू रोड स्थित अजय अग्रवाल को 100 रुपए का कैश गिफ्ट वाउचर का झांसा देकर शिकार बनाया गया और करीब 86,000 रुपए की चपत लगा दी। सभी ठगों को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए पुलिस ने अपने अपने स्तर पर जांच शुरू कर दी है, लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कब तक ऑनलाइन ठगी होती रही। इसमें कहीं ना कहीं हमारी भी लापरवाही है। एनबीसी स्पेशल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एनबीसी न्यूज़। सब्सक्राइब करें।